एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं और सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है, और जब तुम तुम्हारे दोस्तों से पूछते हो तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त ये बताते हैं कि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो रिवीजन कर रहे हैं। ये सुनकर तुम्हें डर लगने लगता है और तुम्हें ये लगने लगता है कि क्या इस एग्जाम को तुम क्रैक कर पाओगे, क्या तुम इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे, और इस वजह से तुम्हें खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है। प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोड़। You only have 5 minutes left to go for the examination. आज देखना फिक्स बचा लेना। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियास टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड और भी ऐसे कई एग्जाम्स हैं जिनको मैं और मेरी टीम फ्री में स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर करती है। तो देखो यार, अभी की सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है ना वो ये है कि बहुत सारे एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम हो गया, जेईई का एग्जाम चल रहा है, नीट का एग्जाम नजदीक आ चुका है, इवन यूपीएससी, बहुत सारे एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। तो अपना स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारा ना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें डर लग रहा है कि एग्जाम अगर हम देंगे और नंबर कम आए तो हम क्या करेंगे। भैया सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, रिवीजन की बात तो छोड़ो आप, है ना। तो आज इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हैं, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को सुना भी चुका हूँ, फिर से सुनाऊंगा। देखो ये स्टोरी है एक एरोप्लेन की। एक प्लेन के अंदर, एक फ्लाइट के अंदर दो आदमी जा रहे थे। फ्लाइट कहाँ की थी? दिल्ली से मुंबई तक की। दिल्ली से मुंबई तक की एक फ्लाइट में दो आदमी जा रहे थे। तो होता क्या है ना, उसमें एक आदमी पूछता है दूसरे आदमी से कि भाई साहब जरा टाइम बताना, क्योंकि उसके पास घड़ी नहीं थी ना उसके पास फोन था। तो पूछता है कि भाई साहब टाइम बताना। तो उसके बाद जो बगल वाला इंसान होता है वो कहता है कि मैं टाइम नहीं बताऊंगा। तो अब वो आदमी सोचने लगता है कि यार ये टाइम क्यों नहीं बता रहा मुझे। तो वो बोलता है उससे कि यार टाइम ही तो पूछा है, बता दे यार क्या दिक्कत है। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने पूछा कि यार भाई ऐसा क्या रीजन है कि तू मुझे टाइम नहीं बता रहा। तो उसने जो रीजन बताया ना, वो सब तुम अगर सुनोगे ना तो तुम हंसने लगोगे। ध्यान से सुनना। रीजन उस आदमी ने बोला कि आज तुम मुझसे टाइम पूछ रहे हो, अभी मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा। फिर तुम मुझसे पूछोगे आप कहाँ जा रहे हो, मैं बोलूंगा मुंबई जा रहा हूँ, तुम बोलोगे मैं भी मुंबई जा रहा। फिर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम रहते कहाँ हो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। फिर तुम बोलोगे कि यार यहाँ तो मेरे भी रिश्तेदार रहते हैं। फिर उसके बाद तुम एक दिन मेरे घर आ जाओगे ऐसी, या फिर तुम मुझे अपने घर पे चाय के लिए बुला लोगे। और कभी अगर तुम्हें इन फ्यूचर तुम्हारे जिंदगी में कोई मुसीबत आई तो तुम मुझे कॉल करोगे कि यार तुम मेरे घर के पास रहते हो जरा मेरी मदद कर दो, और मुझे तुम्हारी मदद करनी नहीं है। ये सुन के वो आदमी हंसने लगा और वो सोचने लगा भाई कैसा पागल आदमी है। तुम भी ये सभी सोच रहे हो ना कि कैसा पागल आदमी, एक टाइम पूछा था ये कहां पर ले आया, है ना। और अगर अब मैं ये बोलूं ये कहानी तुम्हारी है, हाँ तुम्हारी। अरे भैया ये क्या कह रहे हो, हमारी कहानी, हमें आप मूर्ख क्यों बोल रहे हो? मूर्ख नहीं बोल रहे, रियलिटी बता। देखिए आप, ये कहानी तुम्हारी है क्योंकि तुम भी तो ये करते हो ना। तुम क्या करते हो, सुबह उठेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं 95 ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, अगर मेरी 95 नहीं आई तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगा, टीचर्स को क्या बोलूंगा, इस टेस्ट में नंबर कम आ गए तो क्या होगा। सोचते हैं ना हम भी तो यही सोचते हैं, है ना, हम भी तो यही सोचते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि आज जो मुझे पढ़ना है मैं वो पढ़ूं, नहीं, मुझे क्या करना है यार उस दिन मेरा एग्जाम है, एग्जाम वाले दिन क्या होगा, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, अगर मेरा रिजल्ट बेकार आ गया तो। हम ये सोचते हैं क्यों, क्यों? तो इसका मतलब तो ये है ना कि तुम भी वही इंसान हो जो कि बहुत ज्यादा सोचता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ओवरथिंकिंग। तुम ओवरथिंकिंग करते हो। देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूँ, लिव इन प्रेजेंट। ये जो एग्जाम के डर की प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले इसको अपने दिमाग से निकालो और ये सोचो कि मैं आज क्या कर सकता हूँ। मानता हूं बहुत कम टाइम बचा है, एग्जाम बहुत नजदीक है, डरने की बात नहीं है, बस ये सोचो कि आज मैं क्या कर सकता हूं। अब तुम पूछोगे भैया यार ये तो कहानी हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज बताओ कि मैं कर क्या सकता हूं, मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो टेंशन मत लो, प्रशांत भैया आए ना तुम्हारे यहाँ पर तो तुम्हें सारी चीजें गाइड कर देंगे। देखो प्रैक्टिकल सोल्यूशन, बहुत ही तगड़ा सोल्यूशन मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। सोल्यूशन का नाम है RQRC। ये क्या है RQRC? बड़ा ही शानदार सोल्यूशन है। देखना, पहले आर की फुल फॉर्म है क्या, रिसोर्सेस, दूसरे क्यू की फुल फॉर्म है क्वेश्चंस, तीसरी की है रिवीजन, और फोर्थ की सी की है चैप्टर्स। अभी समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। इमेजिन करो कि तुम 12th क्लास के हो, या फिर तुम जिस भी क्लास के हो, तो थोड़ा इमेजिनेशन में दुनिया अपनी चला लेना। मैं इमेजिन कर रहा हूँ 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है जिसके पास PCM है। PCM क्या होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उसे क्या करना है, सबसे पहले उसे प्रैक्टिकल सोचना है। प्रैक्टिकल कैसे सोचेगा, वो अपनी एक नोटबुक लेगा और उसके पन्ने के ऊपर अपने सब्जेक्ट्स लिख लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर तुम 10th के हो तो यहाँ पर लिखो साइंस, SST, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ लिख डालो। लिख दिए,
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर ऊपर लिखूंगा आर क्यू आर सी, ठीक है। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, पहले आर का मतलब है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? अब इमेजिन करो एक चैप्टर है फिजिक्स, तो सबसे पहले ये लिखो कि फिजिक्स के चैप्टर्स मुझे कहां से पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं? क्या मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा, क्या मैं बुक से पढ़ूंगा, क्या मैं कोचिंग से पढ़ूंगा, क्या मैं ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ूंगा? तो यहां पर लिखो, इमेजिन करो आप यूट्यूब से पढ़ते हो फिजिक्स, तो यहां मैं लिख दूंगा यूट्यूब, ठीक है। उसके बाद है क्यू। क्यू क्या है? क्वेश्चंस। भैया मैं क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूंगा? ऑब्वियसली बात है, अगर एक एग्जाम क्रैक करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चाहिए, वो कहां से करूंगा? इमेजिन करो तुम्हारे पास कोई किताब है या फिर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई किताब है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं पी वाई क्यू, ठीक है। उसके बाद आर। आर क्या है? रिवीजन। भैया मैं इस चैप्टर का रिवीजन कहां से करूंगा, इस सब्जेक्ट का मैं रिवीजन कहां से करूंगा? इमेजिन करो मेरे पास मेरे खुद के नोट्स हैं, या मेरे पास किसी और के नोट्स हैं, या फिर मेरे पास माइंड मैप्स वगैरह कुछ हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा अपने नोट्स, ठीक है। यहां पर मैं अपने नोट्स लिख दूंगा। अब ये सी क्या है? ये सी है चैप्टर्स लेफ्ट। फिजिक्स के मेरे कितने चैप्टर अभी तक बचे हुए? इमेजिन करो फिजिक्स के मेरे केवल 5 चैप्टर बचे हुए। समझ गए? समझ गए भैया? पर इससे क्या फायदा? ये तो एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या मजा आ रहा है भैया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्यों? मैंने ना लाखों बच्चों को अभी तक मेंटोर करा है, और मैंने पता क्या देखा है, एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच में एक डिफरेंस है, एक गैप है। पता है वो गैप क्या है? कि जो टॉपर बच्चा है ना, वो एग्जीक्यूट करता है, वो काम करता है, वो पढ़ाई करता है, और एवरेज बच्चा सोचता रह जाता है कि पढ़ाई कैसे करें, अरे ये पढ़े, अरे वो पढ़े, यूट्यूब का लेक्चर देखें, अरे ऑनलाइन लेक्चर देखें, अरे ट्यूशन टीचर का पढ़े या फिर नोट से पढ़े, वो कंफ्यूज रहता है, और उस वजह से वो टॉपर नहीं बन पाता। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम है इसको अपनी जिंदगी से निकाल देना है, हमें प्रैक्टिकल बनना है। वो कैसे बनेंगे? हम हर एक सब्जेक्ट के लिए हम आर क्यू आर सी लिख देंगे कि वो चैप्टर पढ़ना कहां से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, रिवीजन कहां से करना है, और चैप्टर्स कितने बचे हैं। इससे क्या होगा? अब तुम्हें सोचना नहीं है। इमेजिन करो मुझे फिजिक्स पढ़ना है, तो मैं देखूंगा अच्छा मुझे फिजिक्स पढ़ना कहां से, यहां से पढ़ना है। अरे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, यहां से करनी है। अरे मुझे रिवीजन कहां से करना है, यहां से। सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा तुम्हारा टाइम बचेगा इससे। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है ना, जो एग्जाम का हमें डर लग रहा है, वो कैसे भागेगा? वो ऐसे भागेगा, आर क्यू आर सी। हर सब्जेक्ट के लिए हम आर क्यू आर सी लिख देते हैं। अब भैया जो बच्चे हुए चैप्टर है इनका क्या करें? इनके लिए भी टेक्निक है, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है? हमें प्रैक्टिकल सोचना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मेरे एग्जाम के लिए टोटल कितने दिन बचे हैं। तो मुझे पता चला मेरे एग्जाम 30 दिन में है, 30 डेज है मेरे पास, और मैंने देखा मेरे जो टोटल चैप्टर है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को मिलाकर मेरे जो टोटल चैप्टर बन के आए वो भी 30 आ गए। तो मैं दोनों को डिवाइड कर लूंगा, तो मुझे इससे डायरेक्टली एक चीज पता चल गई कि मुझे एक दिन में एक चैप्टर करना है। इससे क्या हुआ, अब मैं प्रैक्टिकल सोच सकता हूं, मैं ओवर थिंक नहीं करूंगा। मैं ये सोचूंगा ठीक है टाइम खराब कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। डेली एक एक चैप्टर अगर मैं करना स्टार्ट करूंगा तो मैं आराम से पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो देखो जब तुम अपने चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इमेजिन करो एक कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, बट मैं तुम्हें एक सोल्यूशन बताता हूँ। एक ऐप रिकमेंड करता हूँ, फिलो ऐप, बहुत ही शानदार ऐप है। क्यों? इमेजिन करो मुझे साइंस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, फिलो ऐप पे जाऊंगा और अंडर 60 सेकंड्स मैं अपने पर्सनल ट्यूटर के साथ कनेक्शन में आ जाऊंगा, और वो जो ट्यूटर होगा, बड़े ही शानदार ट्यूटर है फिलो ऐप के ऊपर, वो मेरी जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर बना देगा। तो देखो बहुत शानदार चीज है, मतलब 60 सेकंड्स के अंदर आप आराम से अपने ट्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एकदम क्लियर कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऐप की, ऐप को यूज कर लेना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भैया ऐप शानदार है, मजा आया, हमारे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स वीक थे, क्या वो रिजॉल्व हुए या नहीं हुए। इन टेक्निक से आपकी कुछ प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली प्रॉब्लम क्या है, बहुत बार तुमने देखा होगा जब तुम पढ़ रहे होते, इमेजिन करो तुम कोई लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, अपने लैपटॉप के ऊपर एक लेक्चर देख रहे हो, तो कुछ देर बाद ना तुम्हारा जो दिमाग है ना वो कहीं और ख्यालों में चला जाता है ना, किसी लैला किसी मजनू के ख्यालों में, कोचिंग में क्या हुआ था, ट्यूशन में क्या हुआ था, स्कूल में क्या हुआ था, उसके ख्यालों में चला जाता होता है। और हमें फिर अचानक से याद आता है 5 मिनट बाद कि अरे मैं तो लेक्चर देख रहा था, और उसके बाद तुम लेक्चर को पीछे करते हो और फिर देखना स्टार्ट करते हो। होता है, नहीं सबके साथ होता है, टेंशन की बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता होगा जब तुम किताब पढ़ रहे होगे तो तुम बस रीडिंग करे जा रहे हो, तुम समझ नहीं रहे, और तुम्हें थोड़ी देर बाद रियलाइज होगा कि हाँ यार मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा था, मैं तो अलग ही ख्यालों की दुनिया में चला गया था। तो इसका क्या सोल्यूशन है भैया, इसका साइंटिफिक सोल्यूशन बताता हूँ। इसका सोल्यूशन ना एक इंग्लिश की कहावत है, कहावत क्या है, फॉलो योर थॉट्स बिफोर थिंकिंग। भैया ये क्या बोल दिया, इंग्लिश समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो यार साइंटिफिकली एक चीज प्रूवन है कि जैसे कि इमेजिन करो तुम्हें सुबह उठना है, 6 बजे का तुमने अलार्म लगाया, और जैसे ही वो अलार्म बजता है ना तो तुम अलार्म देखते हो तो तुम्हारे मन में थॉट आता है कि उठ जाऊं या ना उठूं, उठ जाऊं या ना उठूं, और वो थॉट केवल 5 सेकंड का होता है।
पांच सेकंड बाद वो जो थॉट है ना वो थिंकिंग में बदल जाता है, और जैसे ही वो थिंकिंग में बदलता है ना तो 99% बच्चे सो ही जाते हैं, है ना, सो जाते हो ना, नहीं उठ पाते ना। वो क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर मैं उस 5 सेकंड के अंदर अगर बेड से उठ जाता ना, 5 सेकंड के अंदर, तो फिर तुम सोओगे नहीं। बट हम क्या करते हैं, हम 5 सेकंड दिमाग को थोड़ा सोचने का मौका देते हैं। देखो जो दिमाग है ना, ये आपकी नहीं सुनेगा, ये अपना कंफर्ट देखेगा कि भैया मुझे मजा किस में आ रहा है, मुझे सोना है, इसकी जिंदगी भाड़ में जाए मुझे क्या, मुझे तो सोना है ना। तो इसलिए वो तो हमेशा बोलेगा कि भाई सो जा। इसलिए कभी भी जब भी तुम्हें थॉट आए ना, तो उसको थिंकिंग तक जाने ही मत दो। भैया समझ नहीं आया, थोड़ा ध्यान से समझाओ, थोड़ा डीपली समझाओ, समझाता हूँ। देखो इमेजिन करो तुम पढ़ रहे हो, जब भी तुम पढ़ रहे हो ना और तुम्हारे मन में एक थिंकिंग आती है कि यार मेरे कोचिंग में क्या हुआ था, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास 5 सेकंड होते हैं कि उस थिंकिंग से बाहर आ जाओ। या फिर तुम इंस्टा रील स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हारे पास 5 सेकंड होते हैं कि यार तुम्हारा एक बार ब्रेन तुमसे कहेगा कि अरे मूर्ख तू तो पढ़ने आया था ना, यहाँ कैसे आ गया, इंस्टा रील पे क्या कर रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्या कर रहा है, तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहेगा। और तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए केवल 5 सेकंड होते हैं। अगर उस 5 सेकंड में तुमने यूट्यूब बंद करा, फोन बंद करा और पढ़ने लग गए, तो तुम पढ़ने लग जाओगे। अगर डिसीजन नहीं ले पाए तो भैया जी कोई नहीं पढ़ा सकता, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कंसिस्टेंसी नहीं बनती। भैया क्या करें? देखो इस प्रॉब्लम को बताने से पहले बस मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में तुम ये जरूर बताना कि तुम किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारे एग्जाम की डेट क्या है। मैं हर एक स्टूडेंट से बोल रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि किस एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं किन किन बच्चों की मदद कर सकता हूं, जिसके अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोस तुम्हारे लिए ला सकता हूं। ठीक है, तो देखो अब अगली प्रॉब्लम क्या है भैया, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। क्या करें यार भैया, कंसिस्टेंसी, हम बैठते हैं उठ जाते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, हमसे पढ़ाई नहीं होती। भैया देख एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तूने समोसा खाया? समोसा कभी समोसा बिना चटनी के खाए? कभी समोसा बिना सॉस के खाए? नहीं भैया, वो तो नहीं खाया जाता है ना, बढ़िया नहीं लगता। अगर समोसे वाले के पास जा और वो तुझे चटनी ना दे तो बोलोगे ना, अरे भैया यार चटनी तो दो यार, क्या कर रहे हो, बोलते हो ना, बोलते हैं। या फिर मैगी बिना मसाले के खाए? नहीं भैया, मैगी बिना मसाले के क्या होता है, कुछ नहीं होता। हाँ, तो जब तुम अपने लाइफ के अंदर इतने सीरियस हो कि भैया समोसा तो चटनी के साथ ही खाते है ना, इतने सीरियस हो, तो पढ़ाई में उतने सीरियस क्यों नहीं? क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठते हो अपने फोन को साइड में क्यों नहीं रखते, नोटिफिकेशन बंद क्यों नहीं करते? या फिर जब तुम बैठने बैठते हो तो अपनी वाटर बॉटल को साथ लेकर क्यों नहीं बैठते, है ना, क्यों नहीं बैठते? अरे नहीं भैया, उसमें हम सीरियस नहीं, हम तो समोसा खाने में सीरियस है ना। देखो यार, ये जो लाइफ है ना, इसमें भी तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो पूरी अपने दिमाग को खोल कर पढ़ने बैठो कि भैया फोन को दूर रख दिया, लैपटॉप में पढ़ रहे हैं या फिर बुक से पढ़ रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबसे दूर। घर वालों को बोल दो 1 घंटे तक अंदर मत आओ भैया, कमरे के अंदर, मम्मी पापा मत आओ, मैं पढ़ रहा हूँ। सिंपल सी बात है। जब पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ना है ना, मतलब कम टाइम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, उतना इनफ होगा। तो अगर तुम ये करोगे तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी यार। तो तुम पढ़ने बैठोगे और तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक तुम पढ़ोगे। आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, है ना। अब देखो ये हमारी आज की वीडियो थी, बट एक 1-to-1 टिप दूंगा तो थोड़ा सा नजदीक आओ, और ये मेरी आपकी पर्सनल टिप है। देखो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th 12th, IIT JEE NEET UPSC CAT किसी की भी, एक चीज ध्यान से समझना, एक स्टेटमेंट पकड़ लो, जो आया नहीं वो आएगा नहीं। ये क्या बोल रहे हो भैया? देखो अब अपने पास समय कम बचा है, ऑब्वियसली बात है एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम अगर सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जो क्वेश्चंस आए नहीं। जैसे इमेजिन करो एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स मान लिया, फिजिक्स का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत टफ है, और तुम्हें पता चला कि इस जो टॉपिक है इसका वेटेज बहुत कम है, इसका क्वेश्चन कभी आया ही नहीं एग्जाम के अंदर, तो क्या तुम्हें वो पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा आया या फिर नहीं आया, उसका वेटेज है भी एग्जाम में या नहीं है? तो उसके लिए तुम क्या करोगे, आपका मित्र है ना, दोस्त होगा ना आपका, कोई टॉपर दोस्त, उसको फोन मिला लो, उससे पूछ लो कि भाई यार ये टॉपिक है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर वो बोल दे इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत पढ़ो, सिंपल सी बात है। तो इसलिए याद रखना, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो जो आया नहीं वो आएगा नहीं। बट अगर हमारे पास समय बहुत ज्यादा है ना, 1 साल पूरा पढ़ा है प्रिपरेशन के लिए, तो भैया वही आएगा जो तुमने पढ़ा नहीं। इस लाइन को हमेशा याद रखना। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। एंड देखो एक तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल अगर तुम सब्सक्राइब कर सकते हो करो, नहीं कर सकते मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट मेरी एक तुमसे रिक्वेस्ट है कि यार एक अपने मित्र को इस वीडियो को शेयर कर दो यार। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर मकसद के लिए खड़े हैं, हमारा एक रेवोल्यूशन है, हम इंडिया के या फिर वर्ल्ड के यूथ को यहाँ मोटिवेट करने के लिए खड़े हैं, उनको गाइड करने के लिए खड़े हैं, जो कि अपना रास्ता भटक चुके हैं, जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं जिंदगी में बट यार उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, उनको हम फ्री में यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए खड़े हैं। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा मित्र है जो कि अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है, जिसको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसको समझ नहीं आ रहा है सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, उसको शेयर कर दो, चाहे सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है विशाल।